कैसा लग रहा खाने में? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह की टाइम है और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है माड़ भात के साथ। ये देखो कितना मस्त माड़ भात बना है। और रात में बना था हमारे घर में, चटनी बना था आलू का, बैगन का, टमाटर का भरता, तो वही बना था तो बच गया था बहुत सारा। हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए थे तो वही अभी खा रहे फिलहाल। और आज एक स्पेशल डिश मैं लाऊंगा और मैं खुद बनाऊंगा उसको मम्मी के साथ में। तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ। बढ़िया, ये देखो मजा आ गया भाई। ये बैगन का भरता जो है ना, इधर मम्मी नहा के निकली है। अरे मम्मी, तुम इतना चमक कैसे रही है? महिला सुना चमकता है, हाँ? अभी लाल लाल साड़ी मम्मी पहन लिए पूरा, मार्केट पहुंचा था और मार्केट से मैं कुछ कुछ सामान खरीद लिया हूँ। अभी थोड़ा बहुत लिया हूँ, ज्यादा नहीं लिया। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ घर, और मैं अभी फिलहाल घर पहुंच गया हूँ। माँ, माँ तेरा सो के उठी लग रहा है, सुत गई थी मम्मी। चलो दोस्तों, मैं अभी फ्रेश हो गया हूँ, नहा के फ्रेश हो गया, मार्केट से आया मोटन लेके। मोटन आज घर में मोटन बनेगा, अब मैं और मम्मी बनाऊंगा। यहाँ पे हमारे एक गैस लगा हुआ है क्योंकि किचन में बनता नहीं है, तो ये सिलेंडर हमारा एक ही है तो एक यहाँ लगा दिया। बाकी एक और है वो आंटी के पास में, वो ले आएंगे आजकल में, देखते ले आएंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग का बनेगा मटन। क्या बनेगा मम्मी? मटन। हाँ चलो, यहाँ खुलेगा था ना, खोल दें। करो। हाँ चलिए, गरम गरम। और इधर हमारा कढ़ाई इधर चढ़ गया, टूटल नहीं ना, वो नीचे पकड़ने बैठने वाला बैठा। लो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर सारा मसाला रेडी है, देख सकते हैं, इधर आपका मसाला सारा रेडी है, सारा पेस्ट। इधर हो गया आपका प्याज, और सारा मसाला भी रेडी है। इसको अभी हम और मम्मी मिलके करेंगे। क्या करेंगे मम्मी? और इधर हमारा गरम हो गया है, हाँ, तेल इसमें डालेंगे। डाल। आज मैं अपने हाथ से मम्मी को टेस्ट कराऊंगा कि मेरा हाथ का कैसा बनता है। तो बहुत अच्छा, ठीक है, बचपन से खाना बनाते बनाते मैं बड़ा हो गया। क्योंकि मम्मी पहले नहीं रहती थी साथ में, कभी चल जाते हैं, नहीं तो भूखे नहीं रहते। हाँ ये बात है, भूखे नहीं रहते बेटा, वो मम्मी आएगी बनाएगी तो खाएगी, होटल में खा रही है ना, चल जाते हैं मम्मी, नहीं तो भूखल ना रहे। ये माँ में पापा रहते हैं ना, इसलिए मस्त बनेगा। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको अच्छे से मसाला को रेडी करूँगा, इसके साथ में सारा मसाला डाल दूंगा इसमें, और सारा जब रेडी हो जाएगा ये, उसके बाद कुकर में क्या करेंगे ना, मतलब मटन जो है मटन, उसको इसी में थोड़ा सा फ्राई करके कुकर में चढ़ा के सिझा देंगे, तो इसमें सिझने में टाइम लगेगा। नहीं जल्दी हो जाएगा, हाँ खाने के टाइम हो गया है। खाने का टाइम तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया, हाँ 3 बजने का आ जाए कुकर में दे देंगे, जल्दी हो जाएगा। दोपहर का 3 बज रहा है प्लस, पर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा देर पहले ही अभी नाश्ता किया है, तो फिर हाँ यार मामू जी नहीं आया, हाँ पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक तो हम लोग को अच्छा भी लगेगा। क्या अच्छा, इसी तरह हम लोग धीरे धीरे फ्राई करेंगे और थोड़ी देर में हम लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा। लो अभी इसको उसमें डाल, नमक मन नमक हल्दी ला, नमक और हल्दी उधर है, उसको उसमें डाल के बोल दो। अच्छा यहीं पर आया हुआ है ना, मटन। क्या मम्मी? मटन। बहुत दिनों के बाद घर में मटन बन रहा है आज। थोड़ा सा नमक डाल के प्याज को सिझाते हैं,
थोड़ा देर इसी तरह सिझाते हैं फिर हो जाएगा। ये अच्छे से अभी भुजा किया है, डाले मसाला। हाँ थोड़ा सा उतना नहीं, वो बहुत ज्यादा है। हो जाएगा हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा पानी डाल के मस्त भिजाएंगे, पकाएंगे मसाला को। कुछ अलग अंदाज में मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट बन जाए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ थोड़ा सा उतना नहीं, बस। थोड़ा सा हाँ थोड़ा बस। थोड़ा मसाला पका लेते हैं, मसाला पक जाएगा। हाँ उसके बाद डालेंगे उसको, ये वाले चीज। दोस्तों अभी मसाला मेरा पूरा भिजा के रेडी हो गया है, अब इसमें हम धीरे धीरे डालेंगे मटन। डालें? हाँ या हमें उलट नहीं मिल जाएगा ये उलट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ। क्या मम्मी अब चलाने लगी चक्के, मैं देख रहा था अभी मम्मी थोड़ा सा कर रही है। और इधर मेरा आधा मतलब समझे कि बन चुका है, इधर अभी सीझा नहीं है बट आधा मेरा भुजाया है। इसको मैं क्या करूँगा, कुकर में जाएगा। कुकर मतलब बनेगा कुकर में। और इधर पापा भी आ गए ऑफिस से, ये हुआ बढ़िया है ना। बनाते पहुंच गए। खाना बन के मेरा रेडी हो गया, ये देखो मतान बन गया है। इधर मम्मी निकाल रही है खाना, पापा भी ऑफिस आ गए तो हम लोग तीनों बैठ के यहाँ पे किसको हो गया। कैसा लग रहा खाने मम्मी? बढ़िया लग रहा है। हाँ सारा फिनिश कर, दो दो पत्तल खाई मम्मी तुम। दो दो वाह वाह खा। सारा फिनिश कर दो, कुछ नहीं बचने देना, सारा खा जा ठीक ना। मम्मी का नहीं था बट मेरा भी वहीं पे था मम्मी के पास, ये ना मुझे मिल गया खाना। सच में बढ़िया। दोस्तों मेरा खाना पीना हो गया, आज अपने हाथों से मैं बना के पापा मम्मी को खिलाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग भी पापा मम्मी के साथ में अपना खुशी को बांटिए, और आप लोग खुशी बांटेंगे तो पापा मम्मी भी खुश होंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पता है अभी सो के उठाऊँ, ये देखिए इसको मैं ठीक भी नहीं किया हूँ, अभी मैं जस्ट सो के उठाऊँ। और मम्मी देखो ला के मुझे क्या दी है, चिनिया बादाम। क्या नाम मम्मी? चिनिया बादाम। वो गानवा में देखो गबूले टाइम पास ना मोहरूम डाले। हाँ मम्मी खा रही है। मैं भी थोड़ा सा मतलब घर के बाहर में थोड़ा गया था मैं, और वहाँ से लाया कुछ एक साग, में लाया स्पेशल साग है, मम्मी ऐसा बोलती है। उस साग का नाम क्या है मम्मी? भथुआ साग। भथुआ उसका बहुत सारा नाम है। खरथो साग नाम है, भथुआ साग नाम है, और क्या बोलता उसको क्या देखो इस तरह का माँ कहीं मिलेगी ला के दी, और छील के भी दे रही है आपको। मैं साग जाके दिखाता, आ जाओ मम्मी। आ जा, कौन सा साग है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मम्मी देख रहे अभी कुछ कुछ बना भी रही है। माँ साग किधर है?
ये देखो ये साग हम लोग के गेहूं खेत में बहुत होता है। गेहूं वाला खेत में ना, गेहूं वाला खेत में बहुत। अब इसी का सीजन आ ही रहा है, खाए में इतना टेस्टी लगेगा ना। कुर्थी के दाल में डाल देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसे साग भी बना देंगे नॉन में, उस जो खाते हैं। बहुत महंगा है अमी वाला है। तुम अंदाजा लगाओ कैसे होगा यहाँ पे? 10 टका ला लिया होगा यहाँ। ये वाला ये मुठा का ये बाबा रे कितना लिया? 60 रुपए किलो है बाबा रे। यार घर आधा ने 10 टके किलो नहीं पूछता है रे। हाँ गांव तरफ में 10 रुपए कोई पूछता नहीं। वो दिन हम बुधवार के रह रहे ना, खाली भतुआ साग लान ले रही 10 टके किलो। यहाँ पे 60 रुपए किलो है। दोस्तों अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने से क्या हो सकता है, मेरे माथा में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं अभी ऑयल लगा ली हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत पेन हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और अभी मैं मम्मी पापा को खिलाया, मैं खुद से खाना बना करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं मम्मी को मतलब बैठने का ना ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माँ पूरा काम करते रहती है, ऐसे वैसे टाइम निकल जाता है, और मैं माँ के पास में ज़्यादा रह नहीं पाता हूँ, देखती ही है, मैं इधर उधर थोड़ा ज़्यादा ही रह लेता हूँ, और पापा भी ऑफिस जाते हैं, आने में उनका टाइम लग जाता है। तो फिर आज इन लोगों को मैं रेस्ट दिया और मैं खाना बना के खिलाया, बहुत बहुत सुकून मिलता है, सच बता रहे। आप लोग भी मम्मी पापा का सपोर्ट प्यार आशीर्वाद लेते रहिए, और इसी तरह प्यार कीजिए, क्योंकि लाइफ ना कब किसका मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, आगे आप खुद समझदार है। लाइफ बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है, अब उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने पापा मम्मी के साथ में अपना खुशियाँ बांटने के लिए, बाकी आप लोग भी बांटिए। मैं 3-4 बार ये वाला बात को मैं बोल दिया, क्योंकि ये फैक्ट है, बाकी आप लोग खुद समझदार है, खुद समझ पा रहे होंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे करेंगे एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।